पतंजलि आयुर्वेद योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस बंद कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ भी करते हैं, जैसे कि पहले हुआ था, तो कोर्ट कड़ी सजा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्णन के खिलाफ पतंजलि प्रोडक्ट्स को लेकर चल रहे अवमानना के केस को बंद कर दिया है। पतंजलि प्रोडक्ट्स को लेकर चलाए गए भ्रामक विज्ञापनों और दवाओं को लेकर किए गए दावों के संबंध में दोनों की तरफ से अंडरटेकिंग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस तरह बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को देश की शीर्ष अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद की अपमानजनक टिप्पणियों का जिक्र किया गया था। याचिका में कहा गया था कि जीवन शैली संबंधी विकारों और अन्य बीमारियों के चमत्कारित इलाज का वादा करने वाले पतंजलि के विज्ञापनों ने ड्रग्स एंड मैनेज रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1954 के तहत कानून का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में पतंजलि से कहा कि वो भ्रामक विज्ञापनों को जारी करना बंद करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि फैसले के अगले ही दिन बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डायबिटीज और अस्थमा ठीक करने का दावा किया। इसके बाद देश की शीर्ष अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के MD बालकृष्णन को अवमानना का नोटिस जारी किया। हालांकि उन्होंने कहा था कि अब वो विज्ञापनों को जारी करना बंद करेंगे। अदालत ने उन्हें पेशी पर भी बुलाया था। वहीं योग गुरु बालकृष्णन और कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील गौतम तालकेद्वार ने कहा कि अदालत ने रामदेव बालकृष्णन और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग के आधार पर अवमानना कार्रवाई बंद कर दी है। 14 मई को शीर्ष अदालत ने अवमानना नोटिस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर यह सुनवाई की, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी को बदनाम करने के आरोप लगाए गए थे। अवमानना का ये पूरा मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका 2022 को लेकर शुरू हुआ था। ये पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ थी। पतंजलि ने एलोपैथिक को बेअसर बताते हुए कुछ बीमारियों के इलाज का दावा तक कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाइयों और फटकार के बाद पतंजलि ने नवंबर 2023 में आश्वासन दिया था कि वो ऐसे विज्ञापनों से अब दूर रहेगा। पतंजलि पर आरोप लगा था कि पतंजलि आयुर्वेद, जो कि हर्बल प्रोडक्ट्स बेचती है, वो अपने प्रोडक्ट्स के जरिए कई गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करती है। अब इसी भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों के माफीनामे को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े इस केस को बंद भी कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव ने माफीनामा पेश कर भविष्य में भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का वादा किया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।